गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, पी क्यू आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। कौन कौन है? पी क्यू और आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए 25,000, 25,000 का 25 × 6 महीना, क्यू 5 महीने के लिए 44,000, तो 44 × 5, आर 3 महीने के लिए 50, तो 50 × 3, 5 से 10 बार, 10 × 3 ये हो जाएगा 44 का 44, 5 से कट जाएगा तो, और ये 5 से कटेगा तो 5 × 6 = 30, तो इसका हो जाएगा 30:44:30, 30:44:30। यदि कुल 1,04,000 का लाभ में पी की हिस्सेदारी, कुल कितने का लाभ हुआ? 1,04,000, अनुपातों का योग 30 + 60 + 30 + 60 + 40 + 44 = 104, 1,04,000 के अंदर 104 का भाग देंगे तो 1,000, 1,000 किसका पूछा है? पी का, तो 30 × 1,000, 30 × 1,000 बराबर 30,000। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर, तो यह है 25√3/√3/4 × a² मान लेते हैं अपन। रूट से रूट चला गया, ए स्क्वायर बराबर 100, ए बराबर दस, तो इसकी प्रत्येक भुजा हो जाएगी, प्रत्येक भुजा बराबर हो जाएगी उसकी 10 सेंटीमीटर। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, यदि 22, 25, 27 और 24 का माध्य और अक्ष का माध्य 26 है, तो माध्य बराबर होता है आंकड़ा का योग बटा आंकड़ों की संख्या, योग बटा संख्या, तो योग हो जाएगा 22 + 25 + 27 + 24 बटा में हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 बटा 5 बराबर कितना है माध्य 26, तो 22 + 25 + 27 + 44, तो 4 × 7 = 11, 11 + 5 = 16, 16 + 2 = 18, 8 + 1 = 1, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9, 98 = 98, अक्ष बराबर 5, 26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 130, अक्ष बराबर हो जाएगा 32, अक्ष बराबर 32। आगे देखिए स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन, √729, तो √729 का मान होता है 27, √1681 का मान हो जाता है 41, √576 का मान हो जाता है 24, −√1849 का मान हो जाता है 43, तो यह 27 + 41 + 24 − 43, तो 27, 41 और 24, 4 × 5 = 5, 5 × 7 = 12, 2 + 1 = 2, 3 + 3 =
चार सात, सात और दो नौ, 92 माइनस 43, 92 में से 43 चला जाएगा तो 49, 49। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, समीकरण में पर्सन चिन्ह के स्थान पे आएगा 11.998, तो 11 की जगह आ जाएगा 12 प्लस 2.008 की जगह आ जाएगा 2 इंटू 3.991 की जगह आ जाएगा 4 प्लस 14.99 की जगह आ जाएगा 15 माइनस 10.002 की जगह आ जाएगा 10, तो 12 प्लस 8 प्लस 5, 12 प्लस 8 प्लस 5, 12 और 8 20 प्लस 5 बराबर इसका आंसर आ जाएगा 25। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक वृत्त की परिधि 88/7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो 2 × 22/7 × r बराबर 88/7, तो 7 से 7 चला जाएगा, 22 दुना 44, 44 से चला जाएगा 4 बार, r बराबर 4। तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 4 है, तो उसकी a बराबर हो जाएगी 4, तो उसका परिमाप हो जाएगा, वर्ग का परिमाप 4 a, 4 इंटू 4 बराबर 16 सेंटीमीटर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले की त्रिज्या, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr², तो 4πr² बराबर 36π, पाई से पाई चला जाएगा, पाई से पाई, आर स्क्वायर बराबर 9, आर बराबर तीन, तो गोले की त्रिज्या 3। आगे देखिए स्टूडेंट्स आठवां क्वेश्चन, यदि पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है, पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है, तो इन पांच संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य संख्या के स्थान ज्ञात कीजिए। तो पांच पांच ये हो जाएगी संख्या, हो जाएगी अक्ष, अक्ष प्लस 2, अक्ष प्लस 4, अक्ष प्लस 6, अक्ष प्लस 8, तो ये संख्याओं का इनका औसत हो जाएगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अक्ष प्लस 8 और 6 14, 14 और 6 20, 5 अक्ष प्लस 20 बटा 5 बराबर 10, तो ये हो जाएगा 5 अक्ष प्लस 20 बराबर 50, अक्ष बराबर हो जाएगा 6, तो मध्य संख्या हो जाएगी अक्ष प्लस 4 मध्य है, तो अक्ष की जगह आ जाएगा 6 + 4 = 10, तो पहली मध्य संख्या हो जाएगी 10, आगे वाली हो जाएगी 12, आगे वाली हो जाएगी 14, इससे पहले वाली हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 6, 8, 10, 12, 14। आगे देखिए स्टूडेंट, धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।